भारती वाल्मीकि और ये है ग्राम बसिया खिरिया। इस चना में ओलावृष्टि में बर्बाद हो गई फसल, पूरे गांव में किसी के पास नहीं, कुछ खाने पीने को नहीं बचा है। अगर इसका मुआवजा हमको नहीं मिला तो इससे हम दोनों तीन पंचायत के ग्रामवासी उग्र रूप धारण करेंगे। गए हैं तो बोले हैं 5% नुकसान है, तो इसका होगा लेखा जोखा। और आपके हिसाब से इसमें क्या इसमें है? आप देख लीजिए, इसमें कुछ नहीं है, एक भी घेंटी नहीं है, एक भी फल की उम्मीद नहीं है, ना इसमें फूल बचा ना कुछ बचा है। ये 10 दिन के अंदर खत्म हो जाएगी सारी फसल। पिछली बार भी सोयाबीन की फसल नष्ट हुई थी, कुछ नहीं हुआ, सर्वे होके गया था, कुछ नहीं मिला किसानों को मुआवजा। आप लोग अभी गए थे, कहाँ गए थे? अभी तहसीलदार को ज्ञापन देने गए थे। यहाँ के लोगों ने 3 मार्च 2014 में ज्ञापन दिया तहसीलदार साहब को और फिर जाके टेराम पे चक्का जाम किया, इस प्रकार से आंदोलन उठाया, संघर्ष किया, तब जाके ये बदलाव आया और सभी किसानों को उनका मुआवजा मिला। 1 हेक्टर में आधे में चना की फसल बोई थी, उसमें हमें 550 रुपये मिली। तो ये ओलावृष्टि का मिला या पानी का मिला? अब ये तो पानी वही ओलावृष्टि हुई थी, चना का मिला है। तो ये बदलाव कैसे आया भैया, आप बताएंगे? अब आप ही लोगों ने किया था, मीडिया वालों ने सब, हम लोगों ने थोड़ा चक्का जाम किया था और तहसील भी गए थे और आप ही की थोड़ी, आप लोगों ने सब सहयोग किया, इससे हमारी सरकार ने सुनी और इससे हमें मुआवजा मिला। आपकी कितनी जमीन है भैया? हमारी 5 एकड़। तो इसका आपको कितना मुआवजा मिला है? हमें कुल मिला है 7,000 रुपये। और ये कहाँ से मिला आपको? क्वार्टर बैंक बटियागर से। आपके गांव के कितने किसानों को मुआवजा मिला है? हमारे 600-700 आदमी। तो ये आंदोलन आप लोगों ने क्यों किया था? क्योंकि लिखाई पड़ी नहीं हो रही थी कि चना नष्ट हो गया, तो गेहूं भी कछु नष्ट हो गया, तो लिखा पड़ी हो ही नहीं रही थी, इसलिए किया कि मुआवजा मिले। और उस समय सर्वे कैसी हो रही थी? सर्वे तो ऐसी हो रही थी, कहूँ 30% को हम 20% जैसी समझ में आई लिख दी, इसलिए हमारे लोग धरना किया कि ऐसे में कहा हो रहा है। फिर उसके बाद कैसी सर्वे हुई थी आप बताएंगे? सर्वे फिर के बाद सही करी दी गई, तहसीलदार आज सर्वे सही करी जैसी चाहने थी किसानों। आपको मुआवजा कितना मिला है? 5-6 हजार। तो और जमीन कितनी है आपकी? जमीन तो 2 एकड़ है। तो आप खुश हैं? हाँ। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया था कि आज जिस प्रकार का संघर्ष और संघर्षों के काम मैं कर रही हूँ, इस गांव के लोग भी संघर्षमय हैं और ये मेरे ब्लॉक के, मेरे गांव से, ग्राम बटियागढ़ से 5 किलोमीटर की दूरी पे बसिया खिरिया है, इसलिए वो मेरे अपने ब्लॉक के, मेरे अपने जुड़े हुए लोग हैं। और श्री नन्नू सिंह जी जो हैं इस गांव के, उन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया था इस मुद्दे को उठाने के लिए। मैं आरती वाल्मीकि, बटियागढ़ जिला दमोह, मध्य प्रदेश से, इंडिया अनहर्ट के लिए।